एक दिन रागिनी बाजार करके वापस घर आ रही थी, तभी उसे एक भिखारी रोकने लगता है। अरे ओ बहन जी, गरीब को कुछ खाने को देती जाओ। अरे चल चल, दिमाग मत खराब कर, यहाँ पैसों की शक्ल देखने को नहीं मिलती। अरे बहन जी, मैं कहाँ आपसे आपकी कोठी मांग रहा हूँ, कुछ खाने को मांग रहा हूँ। ये 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 ले लो, मेरे जूते ले लो और बदले में पैसे दे दो, मैं खुद लेके खा लूंगा। रागिनी ठहरी एक नंबर की कंजूस औरत, वो कहाँ कोई भी सौदा घाटे का करती। जूते तो चमक रहे हैं, चल इसे इनके बदले में 50 रुपए दे देती हूँ, मुझे तो बेचने पर ज्यादा ही मिलेंगे। फिर रागिनी भिखारी को पैसे देती है और उससे जूते ले लेती है। धन्यवाद बहन जी, वैसे भी ये चमकीले जूते मेरे किसी काम के नहीं थे। फिर रागिनी घर आ जाती है। वाह, क्या सौदा किया है मैंने, 50 रुपए में जूते। चलो ये मैं राम को बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। अजी सुनते हो, कहाँ हो, देखो आज मैंने कितना फायदे का काम किया है। अब क्या सोने की गिन्निया लूट लाई जो इतना चिल्ला रही है। सोना ना सही, पर 500 का माल 50 में मिल जाए तो क्या बुरा है। फिर रागिनी राम को वो जूते दिखाती है। तू तो चालाक निकली बे, हाँ? ये जूते तो मेरे सर्कस में भी काम आएंगे, मेरे कपड़ों के साथ बहुत मैच होंगे। फिर अगले दिन राम सुबह सवेरे उठता है और वो चमकते जूते लेकर मोची के पास जाता है। अरे भैया, जरा ये जूते सिलवाने हैं, कितने पैसे लगेंगे। मोची उन जूतों को हाथ में पकड़कर देखता है तो वह अचंभित रह जाता है। ये जूते तो सोने के लगते हैं। इस बेवकूफ को यही नहीं पता कि ये जूते कितने कीमती हैं। ये जूते कहाँ से मिले तुम्हें? पता नहीं, मेरी बेवकूफ पत्नी ले आई कहीं से। अच्छा चलो मैं सिल दूंगा, पर समय लगेगा, तो तुम बाद में आके ले जाना। अच्छा अच्छा ठीक है, कहकर राम चला जाता है। अब मैं इन सोने के जूतों के बदले कोई नकली जूते पकड़ा दूंगा। वैसे भी इसे कौन सा पता था कि ये सोने के चमकते जूते हैं। फिर मोची हूबहू वैसे ही जूते बना देता है और जब राम आता है तो उसे जूते पकड़ा देता है। घर आकर मोची खुशी से नाचने लगता है। अरे कैसे बावरों की तरह नाच रहे हो, लॉटरी लगी है क्या? वही समझो। फिर वो अपनी बीवी को सोने के जूते दिखाता है, उसकी बीवी जूते देख खुशी से फूले नहीं समाती है। तभी उसके हाथ से एक जूता छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अचानक ही एक जूते का आकार बढ़ने लगता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो कोई जादुई जूता लगता है। वह जूता इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें कोई भी बैठ सकता था। मोची को भी कुछ सूझता है और वह रमा से कहता है। अरे रमा, ये जूता तो उड़न खटोले जैसा लगने लगा बड़ा होते ही। फिर मोची और उसकी बीवी जूते में बैठते ही हैं कि वह उड़ने लगता है। मोची और उसकी बीवी रमा बहुत खुश होते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि ये मुझे जादुई उड़न खटोले जैसा लगने लगा था। फिर वह जादुई सोने का जूता उन्हें उड़ाकर आसमानों में ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात परियों से होती है। अरे वाह 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 वाह, इतनी सुंदर सुंदर परियां हैं यहाँ, मैंने तो आज तक ऐसी परियां ही नहीं देखी। काश कि ये जूता मुझे पहले मिल गया होता तो आज मेरी शादी किसी परी से ही हुई होती। रमा उसकी तरफ गुस्से से देखती है। अच्छा, परियों से ब्याह रचाना था तो मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े थे? मेरे बाप से जो भर भर के पैसे लिए थे वो लौटा दो, फिर करना परी से शादी। अरे अरे मेरी भाग्यवान, तुम तो नाराज हो गई। मैंने आपकी बात थोड़े ना की है, वो तो अब जो दुर्घटना घट गई वो घट गई है, अब उसे सुधारा थोड़े ना जा सकता है। तभी वहाँ एक परी मोची के पास आती है। अरे तुम इंसानी लोग परीलोक में क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे पहुँचे तुम लोग? धरती से जो यहाँ आ सके ऐसा कोई यंत्र है ही नहीं, तो तुम दोनों कैसे आए? परी जी, जब किस्मत में परियों से मिलना लिखा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। वैसे एक बात कहूँ,
आप बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल अप्सरा। काश कि आप मेरी बीवी होती। ये सुनकर रमा को गुस्सा आ जाता है और वो मोची को धक्का देने लगती है जादुई जूते में से। जूते का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह डगमगाने लगता है। अरे खुद को विधवा बनाना चाहती है क्या? ये याद रख कि अगर आज मैं इस जादुई उड़न खटोले से गिर के मर भी गया तो तुझे कोई एक ग्लास पानी भी नहीं पूछेगा। जैसे ही जादुई जूते का बैलेंस बिगड़ता है तो वह उड़ने की बजाय गिरने लगता है, पर मोची गिरते गिरते भी परी का हाथ नहीं छोड़ता और उसे भी साथ ले आता है। अरे कलमुहे, अब क्या इसे मेरी सौतन बना के ही दम लेगा क्या? छोड़ उसका हाथ। नहीं नहीं, वो गिर गई तो मेरा क्या होगा? उसका छोड़ तू अपना देख, कैरेक्टर लेस कहीं का, कोई ईमान धर्म है कि नहीं? खुद की पर्सनल बीवी होते हुए भी पराई औरत पर ललचा रहा है। अरे हट, बीवी काय की बीवी, तू दाल चावल है और ये परी मटर पनीर, दोनों में बहुत फर्क है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रमा गुस्से से लाल हो जाती है और फिर भी मोची परी का हाथ नहीं छोड़ता। सोने का जूता अब आसमान से काफी नीचे आ चुका था। अब तुम फिक्र नहीं करो परी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और आप इसकी चिंता मत करो, ये तो उम्र के साथ सठिया गई है। तो उसका छोड़, खुद को संभाल, वो तो परी है, उड़ सकती है और उड़ के वापस परीलोक पहुंच जाएगी, पर तेरा क्या होगा कालिया? और मोची को धक्का मार कर जूते से गिरा देती है। जा रे, कैसी बीवी है, जीते जी विधवा बनने को तैयार है पर सौतन बर्दाश्त नहीं है इसे, कैसी बीवी है आ? मोची गिर ही रहा होता है कि परी अपने पंख खोल लेती है। आप चिंता नहीं करो, आप गिरोगे नहीं, आप मुझे ठीक से पकड़ लो। मोची तो जैसे मौका ही ढूंढ रहा था, वो उसे कस कर पकड़ता है और दोनों हवा में उड़ रहे थे। अरे लगता है मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, दोनों को अलग करना चाहती थी और दोनों और करीब आ गए, अब क्या करूं? मोची और परी जमीन पर उतरते हैं। वाह परी जी, आपके साथ उड़ने का भी अलग ही मजा है, काश के मेरे भी पंख होते। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास सोने का जूता है ना, वो उड़ता तो है। तभी रमा भी जमीन पर उतर आती है। सोचना भी मत, ये जादुई जूता सिर्फ मेरा है। जैसे ही रमा उस जूते से बाहर निकलती है, वह सोने का जूता एक आम जूते में बदल जाता है। आम सोने के जूते बनते ही रमा उन्हें पैरों में पहन लेती है। गलती से भी मेरे जूते को हाथ मत लगाना, जाओ उसी परी के साथ रहो, देख लो, सोच लो फिर से एक बारी। देख लिया, सोच लिया और समझ भी लिया, ठीक है फिर आज से तेरा पति मेरा हुआ और ये जूते सिर्फ तेरे। रमा फिर उन जूतों को पहनकर ही सो जाती है। देखो परी जी, वैसे तो आप बहुत अच्छे हो पर धरती पर आपको एक आम इंसान की तरह ही रहना होगा, क्योंकि किसी को जरा भी भनक पड़ गई तो आपका जीना हराम कर देंगे और मेरी बीवी को तो आप जानती ही हो। तुम चिंता नहीं करो, मैं सुबह तक सब ठीक कर दूंगी। फिर अगली सुबह, रमा रमा जल्दी खाना लाओ, फिर मुझे काम पर जाना है। रमा नींद में जवाब देती है, अरे मुझे नहीं पता खाना पीना, खुद देख लो। तभी परी एक आम औरत की तरह साड़ी पहनकर हाथ में खाने की थाली लेकर आती है। ये लो गर्मा गर्म खाना और बताओ कैसा बना है। अरे वाह, आपको ये सब भी आता है। फिर मोची खाना खाता है और काम पर निकल जाता है। ऐसे ही रोज परी आम इंसानों की तरह कुछ नया नया सीखती और मोची के साथ अच्छे से रहने लगी। अब ऐसा समय आ गया था कि मोची को रमा की जरूरत ही नहीं रह गई थी। फिर एक दिन, चलो परी कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें इस शहर की सैर करवाई जाए। अरे मुझसे भी तो पूछ लो, आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कैसी बीवी रे? तुझे तो सोने के जादुई जूतों से ही फुर्सत नहीं है, तू पूरी दुनिया घूमती है उनमें बैठकर, तो क्या मैं और परी शहर भी नहीं घूम सकते? कहकर मोची परी को लेकर चला जाता है। ये देखकर रमा दिल ही दिल में किलसने लगती है और उसे परी पर गुस्सा आने लगता है। वापसी आने पर रमा मोची के सोने का इंतजार करती है। मोची के सोते ही रमा परी को बुलाती है। तूने मेरे पति पर कब्जा कर लिया है, तू वापस अपने परीलोक क्यों नहीं चली जाती? मैं तो परीलोक में ही थी, तेरा पति ही मुझे लेकर आया यहाँ, और तुझे भी तो उड़न खटोले में घूमने से फुर्सत नहीं रहती थी। मेरे पति को छोड़ने का क्या लेगी बता, मैं अपने छोटे से परिवार में खुश थी बहुत, मैं पहले की तरह ही रहना चाहती हूँ। एक शर्त पर तेरे पति का पीछा छोड़ सकती हूँ, अगर तू ये जादुई सोने के जूते मुझे दे दे तो। रमा दो पल सोचती है और वो जूते उतार कर परी को थमा देती है। परी उसी रात उस जूते में बैठकर परीलोक वापस चली जाती है। कितने बेवकूफ लोग हैं, मेरा धरती पर आने का मकसद ही यही जूते पाना था, बेचारे समझ ही नहीं पाए।
हाँ।